हमने कितना याद दिलाने की कोशिश की लेकिन कुछ भी याद नहीं आ रहा है। याद नहीं? याद नहीं का क्या मतलब है? आप लोग कहीं कहीं हमें पागल तो नहीं समझ रहे? ये पागलखाना है और तुम यहाँ की जेलर हो? हमें मारना चाहती हो ना? ए भैया हमें फिर से मंदिर छोड़ दो। हमें यहाँ नहीं रहना, हमें मंदिर छोड़ दो। शांत हो जाओ दीदी, शांत हो जाओ। कोई तुम्हें मारने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये तुम्हारा ही घर है और अब तुम यहीं रहोगी। नहीं भैया, हमें यहाँ नहीं रहना, हमें मंदिर छोड़ दो, हमें जाना है। दीदी मेरी बात मानिए, आप यहाँ रहिए, यहाँ पर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है लता, दीदी को कमरे में ले जाओ, उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। बुआ का सामान मैं कमरे में रख देता हूँ। चलिए बुआ आइए। अरे पापड़ अचार नहीं है। क्यों आई हैं आप यहाँ? क्या चाहती हैं आप? ऐसा क्या? अरे बिटिया, इंसान चाहता तो बहुत कुछ है लेकिन जरूरी नहीं कि इंसान जो चाहे उसको वो सब मिले। लेकिन हम उन इंसानों में से हैं जो जो चाहते हैं वो पाकर रहते हैं। क्या जरूरत है आपको यहाँ आने की? बड़ी माँ आपकी सारी जरूरतें पूरी कर रही है ना? अरे गुड़िया रानी, ये जो बार बार अपनी बड़ी माँ की हिमायत कर रही हो ना, हमें बहुत बुरा लग रहा है। बड़ी चालाक औरत है, तुम्हें एक प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रही है और तुम उनके हाथ की कठपुतली हो बस। उससे ज्यादा कुछ नहीं हो तुम, समझी? ऐसा नहीं है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा तो हमें ये बताइए कि आपकी बड़ी माँ ने आपको बताया था कि हम उनकी ननंद है? एक बात बताइए, अगर बुआ इतने दिन घर से दूर थी तो कभी किसी को उनके बारे में कुछ पता क्यों नहीं चला? पता नहीं भूमि, मैंने भी आज से पहले उन्हें सिर्फ फोटोज में ही देखा है। इनफैक्ट माँ ने खुद आज उन्हें पहली बार देखा। सुना है कि वो फूफा जी के साथ किसी बिजनेस के सिलसिले में भोपाल से बाहर चली गई थी और उसके बाद उनका कॉन्टैक्ट सबसे टूट गया। पापा और चाचा ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मिली नहीं। और आज देखो, किसने सोचा था कि वो हमें ऐसे मंदिर में मिल जाएंगे। बेचारी, पता नहीं उनके साथ कितना बुरा हुआ होगा जो आज वो ऐसी हालत में, उनकी आताश जा चुकी है। लेकिन अब वो अपने परिवार में वापस आ गई एंड आई होप कि उनकी आताश भी जल्दी वापस आ जाए।